Students, before starting this video, please subscribe our channel Techno Fiesta and share it to the maximum people. Please don't forget to click on bell icon for regular updates. Students, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना बताया और आइडेंटिटीज को कैसे पुट करते हैं और किस जगह पर हमारे को कैसे ध्यान रखना चाहिए वो आपको बताया था, ताकि हमारे को क्वेश्चन को रटना ना पड़े, क्वेश्चन को इजी वाई बिल्कुल सरल शब्दों में सरल स्टेप्स में मैंने आपको पूरा सॉल्व करा था। सेकंड क्वेश्चन को ऐसा करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब वही जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा बोल रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू। हमारे को उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें लाना क्या है, sec cosec में लाना है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं tan थीटा को अगर cot थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो tan थीटा का मतलब क्या होता है, 1 upon cot थीटा ही होता है। 1 upon cot थीटा अगर cot थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे बनेगा फॉर्मूला, ये है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ tan थीटा cot थीटा का। अभी बताया था tan थीटा और cot थीटा को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, तो 2 को अगर 1 से करेंगे तो 2 आ गया। इसका मतलब मैंने कोई ऐड करानी है, कुछ मल्टीप्लाई ऐसा करानी है, बस इसको मेरे को क्या फॉर्मूला में बनाना है। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले को पहले मैं उल्टा लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर फॉर्मूला इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। a और b, यहाँ पर a क्या आ रहा है tan थीटा और b क्या आ रहा है cot थीटा। तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर का थीटा, b स्क्वायर cot स्क्वायर का थीटा, 2ab, तो 2 a की जगह tan थीटा और b की जगह cot थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। हियर a इज इक्वल टू tan थीटा एंड b इज इक्वल टू cot थीटा। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, sin cos में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने आपको बताया क्वेश्चन को इजी करना हो तो उसको sin cos में कन्वर्ट कर लो। तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये तो बेसिक चीजें तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो साइन की जगह मैं लिखूं टेन की जगह लिख दूंगा मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट की जगह लिखूंगा मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस थीटा और साइन थीटा का मैंने एलसीएम लिया तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग है। कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करा तो साइन थीटा बचा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो गया तो इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम आगे ऊपर करते हैं, क्वेश्चन मैंने लिख ही रखा है तो आपको किसी भी को चेक करना हो तो क्वेश्चन वहां पे नीचे लिखा हुआ है। बेसिक्स, मेन बेसिक्स आने चाहिए और आपको क्वेश्चन को करना आना चाहिए, कहीं भी क्वेश्चन को रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जहां रटोगे वहीं भूल जाओगे और फिर वो क्वेश्चन रॉन्ग होना है। तो अब मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं 1 लिख दूंगा। 1 अपॉन क्या, मेरे पास कॉस थीटा साइन थीटा, इसका क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था साइन थीटा अपॉन, वहां पे आया था ना क्वेश्चन में स्क्वायर होल स्क्वायर था, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा को ऊपर लिख सकता हूँ सेक थीटा, और साइन थीटा को लिख सकता हूँ कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर खुलेगा तो आंसर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर एच एस। मेरी आर एच एस क्या रही है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन को इस तरह से हमारे को हर स्टेप्स को ध्यान में रखना है, कहां पर कौन सा क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, ये हमारे को विशेष ध्यान रखना है। थैंक यू।